कैसे आप सभी, आशा करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फिर से मेरी एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो हम ले सकते हैं गाइस, आज हमारे घर में पोई साग बनेगा। तो हम लोग कैसे पोई साग बनाते हैं आप लोग दिखाएंगे। हर चीज़ के किचन में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है गाइस। तो हम लोग कैसे बनाते हैं आप लोग देखिए। तो आप देखिए, साग पाँच स्पून भून लिए हैं और देखिए धो के काट से भी इधर कढ़ाई भी चढ़ा दिए। कढ़ाई चढ़ा के उसमें काट काट के डालते भी जा रहे हैं। तो कढ़ाई में पहले से तेल डाल चुके हैं। तो उसमें तेल सारा साग डालने के बाद देखिए इसमें दो मुट्ठी चना भी डाल देते हैं और साग के साथ उसका सारा गंठी भी डाल देते हैं। और उसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और सरसों का पाउडर भी डाल देते हैं। उसके बाद कुटा हुआ लहसुन भी उसमें डाल देते हैं गाय। और सारा मसाला डाल के उसको अच्छे से चला लेते हैं। इसके बाद इसको ढक देते हैं। तभी सबसे पहले इसको चला लेते हैं। ये देखिए इसको ढक दिया और ढक्कन हटा के दो तीन मिनट हो गया है। तो उसको ढक्कन हटा के देखते हैं। ये देखिए कितना सारा भी पानी छोड़ा है। तो इसको भी दो तीन मिनट ऐसे चला के फिर इसको ढक देंगे गाइस। तो देखिए यहाँ छो के देख रहे हैं कि पका के नहीं तो नहीं पकाता। तो फिर इसको चला के ढक दिए। तो ढक देखिए उसका फिर ढक्कन हटा के देख रहे हैं। देखिए गाइस उसका पानी सूख गया। देखिए बन के तैयार हो गया पोई साग। कितना आसान है ना पोई साग बनाना। और इस तरह से आप लोग बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। हम लोग को तो बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग को पसंद है कि नहीं कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए बन के तैयार हो गया पोई साग। इधर देखिएगा धनिया पत्ता की चटनी भी बनने वाला है। तो देखिए इसको कैसे उसको भी कैसे हम लोग बनाते हैं वो देखिए आप लोग। तो सबसे पहले टमाटर काट लिए हैं और उसमें धनिया पत्ता काट के डाल दे रहे हैं। तो सारा देखिए धनिया पत्ता काट दिए हैं। उसमें दो तीन कली लहसुन डाल देते हैं और फिर नमक और दो मिर्ची इसको डाल के अब पीस लेंगे। ये देखिए धनिया पत्ता का चटनी भी तैयार हो गया है। अब उसमें सरसों का तेल भी डाल देना है। और इधर देखिए गाइस मेरा इधर मूली का सब्जी चढ़ा हुआ है। इसको भी पानी डाल के भी ढक दे रहे हैं। यहाँ देखिए सारा खाना बन के तैयार हो गया। मूली का सब्जी भी उधर चढ़ा हुआ है। तो देखिए सारा कुछ खाना बन के तैयार हो गया है। और देखिए मेरी बात सबके लिए खाना निकाल रही है। गाइस आज खाने में क्या क्या बना है। देखिए दाल है और पोई साग का सब्जी हो गया और इधर चटनी और आलू का सब्जी। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को गाइस? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।